फ्रेंड, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने वीडियो को ऑन किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखना, सिर्फ क्लिक कर कर स्किप मत करो, वीडियो को एंड तक देखो एटलीस्ट। और देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा हो तो यार शेयर करो, और वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट वॉच करो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छी लगेगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिखने में कितना अच्छा है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और आपको किस टाइप का पुलाव पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ट्राई करूँगी। तो चलिए सीखते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने 2 बॉल्स ऑफ राइस लिया है। यहाँ पर मैंने बासमती राइस यूज़ किया है, आप कोई और राइस भी ले सकते हैं, कोलम या फिर जो भी। इसको अच्छे से साफ़ कर लें और फिर इसको पानी डाल दें, और राइस अच्छे से उसमें डूबा हुआ रहना चाहिए, और लगभग 20 से 15 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही रख देना है। तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिंजर डाला, चिल्ली, तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख दें, और यहाँ पर इलायची डाला मैंने, एक दालचीनी, लौंग और कुछ काली मिर्च के दाने। इसको अच्छे से आप मिक्सर में ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर कढ़ाई में लगभग 4 चम्मच आपको तेल डालना है, और इसको अच्छे से गरम कर लें। फिर यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जीरा डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, और यहाँ पे मैं थोड़े से काजू डाल रही हूँ। और इसको आपको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपको इसे भूनना है। फिर यहाँ पे कटे हुए ऑनियन डाल दें, और इसको भी आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक। फिर यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया था उसको ऐड कर दें। मसाला डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है, आपको थोड़ा सा ही चलाना है। और फिर इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, तो लगभग 3 से 5 मिनट तक ही आपको इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। फिर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले फ्लावर लिया है, उसको डाल देंगे, कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स, और अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो राइस हमने भिगो कर रखा था उसको ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और लगभग 5 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से ऐसे ही फ्राई करें। और 2 से 5 मिनट के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, जिससे हमने राइस लिया था उसी से हमने 2 कप राइस लिया था, तो 4 कप वाटर ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पे सॉल्ट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करें, और 1 बॉईल आने तक आपको इसे खुला रख कर ही पकाना है। तो 1 बॉईल आ चुकी है, इसके बाद मैं इसको ढक दूंगी, और लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पका दिया है। तो 8 से 10 मिनट के बाद आप देखिए खिले खिले एकदम ही अच्छे से पुलाव बनकर तैयार है, और इसको बनाना आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और हमारा टेस्टी वेज पुलाव बनकर रेडी है, आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।